रासायनिक बल गतिकी में अपने जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बन रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है उसके बारे में अपने अध्ययन किया था। अभिक्रिया की कोटि किसे कहा जाता है, आणविकता किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी परिभाषाएं कर लेते हैं, उसके बाद में अपने पास आते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहा जाता है, सामान्य रूप से अगर इसकी परिभाषा देखें तो अपने क्या कहेंगे, वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो अपने यहाँ पे इसकी परिभाषा बता सकते हैं, अपने कह सकते हैं कि वे अभिक्रिया जिनका अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है, जिनमें अभिकारकों की सांद्रता पर जो अभिक्रिया का वेग है वो निर्भर नहीं करता। या अपने ऐसे कह सकते हैं इसमें कि जो अभिक्रिया वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। या अपने इसमें कहा जा सकता है कि जो अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, अपने शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो अपने इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि जो वेग है अभिक्रिया का वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, उन अभिक्रियाओं को अपने क्या कहा जाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। तो जब भी अपने को ये अभिक्रिया अगर बात करते हैं, सबसे पहले इस अभिक्रिया का क्या लिखें, अपने वेग नियम लिखते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियम क्या होता है। वेग नियम की मैंने आपको परिभाषा दे दी थी, ठीक है। ऐसा मान है एक प्रायोगिक मान है। तो वेग नियम अगर अपने लिखना है इस अभिक्रिया के लिए, तो अपने बात करें यहाँ पर कि कोई अभिकारक ए है जो किसमें बदल रहा है, उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। उत्पाद कौन सा, एक्स में वो क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। कोई अभिकारक ए जो किसमें परिवर्तित हो रहा है, उत्पाद एक्स में परिवर्तित हो रहा है। तो इसके लिए जो अभिक्रिया जो वेग है, इसके लिए अपने क्या लिख सकते हैं, इसका जो अभिक्रिया वेग वो क्या बन जाएगा, इसका अभिक्रिया वेग क्या बन जाएगा। तो इसका अभिक्रिया वेग अगर लिखना चाहे तो हमारे पास इसका क्या हो सकता है, अभिक्रिया वेग डी माइनस डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। अभिक्रिया वेग क्या हो सकता है, माइनस डी ए अपॉन डी टी, या ये किसके बराबर है, डी एक्स अपॉन डी टी के क्या है, बराबर, ठीक है। अपने क्या कहा, जो अभिक्रिया वेग है अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। अभिकारक कौन है, ए, तो इसकी घातांक कौन सी, शून्य घातांक के क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, जो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अपने पास क्या बन जाता है, इसका वेग नियम बन जाता है, ठीक है। अब इस वेग नियम से अपने इसको इस रूप में भी निरूपित कर सकते हैं कि हमारे पास जो समीकरण बन रही है वो क्या बन रही है, डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती, अपने क्या लिखा है, ए जीरो के रूप में इसको लिखा है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में क्या रही है, कमी आ रही है। तो अभिकारक की सांद्रता में कमी आने के कारण से इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, या अपने इस समीकरण को किस रूप में लिख सकते हैं, अपने ये समानुपात का जब चिन्ह हटाएंगे तो समानुपात के जब चिन्ह को हटाया जाता है यहाँ पर क्या दिया जाएगा, एक नियतांक दिया जाएगा, और वो नियतांक क्या आ जाएगा हमारे पास, ए जीरो। जीरो यहाँ पर के पैरों में जीरो क्यों लगाया है, क्योंकि ये शून्य कोटि जीरो ऑर्डर अभिक्रिया के लिए अपने यहाँ पर इसमें क्या कर दिया, जीरो का साइन अपने प्रयोग में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया है उस शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अपने पास, और अब अपने कहा शून्य कोटि किसी भी चीज की घातांक अगर शून्य है तो शून्य घातांक का मतलब क्या होता है, इसका मान कितना हो जाता है, एक हो जाता है। तो अपने यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के सी, ठीक है। इस रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि किसी घातांक शून्य होने का मतलब क्या हो जाता है, इसका जो मान है वो मान के किसके तुल्य आ जाता है, हमारे एक के तुल्य आ जाएगा। तो इसलिए अपने समीकरण को क्या लिखा जा सकता है, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्या आ गया, के जीरो। इस समीकरण को अपने क्या कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया की अवकलन समीकरण कहा जाता है,
ठीक है, ये समीकरण क्या बन गई, शून्य कोटि अभिक्रिया की अवकलन वेग समीकरण हमारे पास अपने को प्राप्त हो गई। तो अपने को देखो कि पहले तो शून्य कोटि अभिक्रिया की अपनी परिभाषा देखी कि शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, फिर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अपने क्या ज्ञात किया, उसका वेग नियम ज्ञात किया, फिर अपने यहाँ पर क्या बना ली, जो शून्य कोटि अभिक्रिया है उस शून्य कोटि अभिक्रिया की अपने अवकलन वेग समीकरण इसकी ज्ञात अपने कर ली। तो यहाँ पर अपने इसमें तीन चीजें अभी तक अपने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अपने ज्ञात कर चुके हैं। इसके बाद में अपने इसमें क्या लिखते हैं कि इस जो शून्य कोटि अभिक्रिया की जो अवकलन वेग समीकरण है, इस अवकलन वेग समीकरण से अपने इसकी जो समाकलन वेग समीकरण है उसको अपने ज्ञात करेंगे। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अपने समाकलन समीकरण को ज्ञात करते हैं, उसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा उसे देखें। अपने ठीक है, तो अपने यहां पर कहा कि हमारे पास जो डी एक्स बटे में डी टी बराबर के जीरो, ये क्या होगी हमारे पास शून्य कोटि अभिक्रिया की क्या होगी अवकलन वेग समीकरण होगी। ठीक है, और इस अवकलन वेग समीकरण से अपने क्या ज्ञात करनी है, शून्य कोटि अभिक्रिया की, शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलन समीकरण अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, उसे किस प्रकार से ज्ञात करें, तो मैं इस समीकरण को जो हमारे पास ही है इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, dx बराबर के जीरो डी टी। ठीक है, ये जो हमारे शून्य कोटि की जो अभिक्रिया थी अवकलन वेग समीकरण, इसको मैंने इस रूप में लिख दिया। ठीक है, फिर इस समीकरण को अपने क्या कर दिया, समाकलित कर दिया, तो भी कहते हैं कि समाकलित करने पर, तो ये जो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त हुई है इस समीकरण को अपने क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया। तो इसका जो समाकलन आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एक्स बराबर के जीरो कॉन्स्टेंट है इसका नहीं होगा डी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो शून्य कोटि की समीकरण थी इसका आपने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। ठीक है, अब हमने जो इसका समाकलन जब आपने इसका किया है, तो समाकलन करने के बाद हमने अपने इसका जो समाकलन का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या जाएगा, इसका जो समाकलन का जो रिजल्ट हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, अपने इसका समाकलन रिजल्ट आपको एक्स बराबर के जीरो टी और प्लस क्या हो गया सी। ठीक है, सी हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक समाकलित स्थिरांक है। सी क्या चीज है हमारे पास, समाकलित स्थिरांक, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है समाकलन करने। अब इसका मान ज्ञात करते हैं, अपने सी का मान ज्ञात करें कि इस समीकरण में अपने को जो सी का मान है वो सी का मान अपने को क्या प्राप्त होता है। तो सी के मान को ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं कि जो जो अपने जो समीकरण है इसकी अपने प्रारंभिक दशाएं अगर देखी जाए, तो प्रारंभिक दशाएं क्या हो जाएंगी हमारे पास, जब मैं कहता हूँ कि टी बराबर शून्य हो, जब अभिक्रिया क्या हो रही है शुरू कर रहे हैं, तो जब टी बराबर क्या हो जाता है हमारे पास शून्य हो जाता है, तो जब अभिक्रिया के लिए जो समय है वो शून्य है, इसका मतलब क्या हो गया, जो उत्पाद है उस उत्पाद की सांद्रता भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो अगर ये टी और सी के मान इस समीकरण, जैसे समीकरण को तो अपने नंबर दे देते हैं एक, इस समीकरण का नंबर दे दिया अपने दो, तो इस समीकरण दो में अपने क्या करते हैं, समीकरण दो में मान रखते हैं। ठीक है, तो टी और एक्स के मान रखे, तो अपने एक्स का मान कितना है जीरो, ए जीरो, टी का मान भी हमारे पास क्या हो गया जीरो प्लस सी, तो इसका मतलब सी का मान भी हमारे पास क्या हो गया जीरो प्राप्त हो गया हमारे पास। तो सी का मान जब जीरो प्राप्त हुआ, इस जीरो मान को फिर पुनः अपने समीकरण किसमें रखा, दो में रखा, तो हमारे पास क्या हो गया एक्स बराबर के जीरो टी, ये हमारे को यहाँ पर प्राप्त हो गया अपने को जो ये समीकरण प्राप्त हुई एक्स बराबर के जीरो टी। और इसमें से हमने क्या किया कि अगर के जीरो का अगर मैं मान ज्ञात करना चाहूँ, तो के जीरो क्या हो जाएगा एक्स बटे में क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। के जीरो हमारे पास, के जीरो का जो मान है वो के जीरो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन टी आ जाएगा। ये जो समीकरण अपने को समीकरण नंबर इसको अपने दे सकते हैं तीन, तो ये जो समीकरण तीन है वो क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया की क्या है समाकलित वेग समीकरण है।
ठीक है। तो ये हमारे को क्या प्राप्त हुई, शून्य कोटि अभिक्रिया की जो अपने को समाकलित वेग समीकरण अपने को प्राप्त होगी, तो किस रूप में अपने शून्य कोटि अभिक्रिया की जो समाकलित वेग समीकरण है उसको अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमने जो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए पहले परिभाषा देख ली, फिर इसके लिए वेग नियम, फिर इसकी अवकलन समीकरण, और अवकलन वेग समीकरण से अपने इसकी क्या ज्ञात कर ली, समाकलित वेग समीकरण अपने ज्ञात कर ली। यहाँ पर K0 क्या है, K0 हमारे पास क्या है, वेग स्थिरांक है। इस अभिक्रिया का शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में जो K0 है वो K0 हमारे पास क्या है, वेग स्थिरांक है। और वेग स्थिरांक अपने पहले भी क्लियर कर चुके हैं, जो पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अपने ये इसको पहले भी डिटेल में कर चुके हैं। अब शून्य कोटि अभिक्रिया का अगर आपसे मात्रक पूछा जाए, तो शून्य कोटि अभिक्रिया जो K0 है, इस K0 का हमारे पास मात्रक क्या होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, तो हमारे पास इसका मात्रक प्राप्त होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अपने को क्या प्राप्त हो गया, इसका मात्रक प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये अपने शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त कर ली। अपने जो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अपने समाकलित और अवकलित वेग समीकरण की बात की थी, इसके बाद में अपने शून्य कोटि अभिक्रिया का आलेखीय निरूपण देखते हैं कि इसको आलेख किस तरह से इसका खींचा जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर इसका जो टॉपिक बनता है वो क्या है, आलेखीय निरूपण, शून्य कोटि अभिक्रिया को आलेख के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। हमारे पास जो शून्य कोटि अभिक्रिया की जो समीकरण, जो समाकलित वेग समीकरण थी, वो समाकलित वेग समीकरण क्या थी, x बराबर क्या थी, के जीरो टी, ये क्या थी हमारे पास शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण थी। ठीक है, अब इस समाकलित वेग समीकरण को अगर अपने ध्यान से देखा जाए तो ये समीकरण हमारे पास एक सरल रेखीय समीकरण जो अपने को प्राप्त होती है। ठीक है, ये किसके बारे में है, हमारे पास एक सरल रेखीय समीकरण, कौन सी, y बराबर mx के क्या है, तुल्य है। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया की जो समाकलित वेग समीकरण है, यह समाकलित समीकरण हमारे पास एक सरल रेखीय समीकरण जो कौन सी है, y बराबर mx के क्या है, तुल्य है। जिस तरह से y बराबर mx के तुल्य है, और जिसका जो ढाल होता है, वो ढाल जिसको अपने क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं, इसका जो ढाल आएगा इस समीकरण का, जो अपने को ढाल प्राप्त होगा, ढाल मतलब हमारे को जो tan थीटा का जो मान प्राप्त होगा, वो tan थीटा किसके बराबर होगा, k0 के मान के बराबर होगा। अपने को जो k0 का जो मान प्राप्त करना था, तो जो k0 ढाल जो होगी, वो ढाल हमारे पास किसके तुल्य होगी, हमारे पास k0 की क्या हो जाएगी, तुल्य हो जाएगी। तो अब अपने यहाँ पर इसमें वक्र खींचे, किसके बीच में, x और t में एक वक्र खींचा जाए हमारे पास, तो इस अक्ष पर अपने x सांद्रता और इस पर क्या ले लिया जाए, अपने समय को ले लिया जाए, ठीक है, t को ले लिया जाए। तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी, जो अपने ग्राफ प्राप्त होगा, क्योंकि अपने सरल रेखीय समीकरण के तुल्य है, तो इस प्रकार का अपने को यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एक वक्र प्राप्त होता है। इस वक्र में अपने जो इसकी ढाल का मान ज्ञात करें, तो इस प्रकार से इसकी अगर अपने ढाल निकालते हैं, तो ये जो ढाल है, ठीक है, ढाल जो किसका मान बता रही है अपने को, tan थीटा का मान बता रही है। ठीक है, अभी हमने कहा था जो ढाल tan थीटा जो अपने पास किसके तुल्य है, जो किसके हमारे पास जो अपने कह रहे हैं इसमें जो मान है, वो ढाल कैसे निकालेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल टी, जो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, जो के जीरो के मान की क्या हो जाएगी, तुल्य हो जाएगी। इस प्रकार अपने इस अभिक्रिया के लिए के जीरो के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपने पास शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आलेखीय निरूपण हो गया, किस तरह से इसको आलेख के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ढाल का मान ज्ञात करके, टेन थीटा का मान ज्ञात करके, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के मान को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अपने आलेखीय निरूपण की बात कर ली। अब हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण देख रहे हैं जो शून्य कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण होते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। अपने पास सबसे पहला जो उदाहरण आता है, जो स्थिर दाब पर हाइड्रोजन व क्लोरीन का प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया करवाई जाती है, ठीक है,
H2+Cl2 सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, 2HCl का निर्माण करेगा। ये जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया हमारे पास किस कोटि की हो जाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। इसी तरह से उच्च दाब के ऊपर ये जो अभिक्रिया हो रही है, पहली अभिक्रिया तो स्थिर दाब पर हो रही है, दूसरी अपने कहते हैं उच्च दाब पर मोलिब्डेनम की सतह पर फॉस्फिन का अपघटन करवाया जाए। तो फॉस्फिन दूसरी अभिक्रिया है हमारे पास, जो फॉस्फिन है ठीक है, इस फॉस्फिन का अपने किसकी सतह पर, मोलिब्डेनम की सतह पर उच्च दाब पर क्या करवाया जाए, इसका अपघटन करवाया जाए। तो यह अभिक्रिया भी हमारे पास किस प्रकार की प्राप्त होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से अपने कह सकते हैं कि टंगस्टन की सतह पर अमोनिया का अपघटन, ठीक है। तीसरा उदाहरण हमारे पास क्या हो सकता है कि अपने टंगस्टन की सतह पर किसका अपघटन करवा दिया जाए, अमोनिया का अपघटन करवा दिया जाए। तो ये भी हमारे पास किसकी प्राप्त होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया का अपने को उदाहरण प्राप्त होता है। तो यहाँ से स्पष्ट है शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है। तो अपने एक तो कहते हैं जो विषमांगी उत्प्रेरण की जो अभिक्रियाएं हैं, मैं यहाँ पर सिंपल सी भाषा में आपको समझाना चाहूँ शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है। तो एक तो विषमांगी उत्प्रेरण की जो अभिक्रियाएं होती है, सामान्यतः विषमांगी उत्प्रेरण की जो अभिक्रियाएं हैं वो शून्य कोटि अभिक्रियाओं का क्या होती है, उदाहरण होती है। इसके अलावा जो अपने कह सकते हैं प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, प्रकाश या विकिरण की उपस्थिति में संपन्न होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं, वो किसका उदाहरण होती है, शून्य कोटि अभिक्रियाओं का उदाहरण होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो विषमांगी उत्प्रेरण की अभिक्रियाओं का उदाहरण आता है, या अपने पास जो प्रकाश या विकिरण की उपस्थिति में जो संपन्न होने वाली जो अभिक्रियाओं के जो उदाहरण आते हैं, वे सभी उदाहरण हमारे पास शून्य कोटि अभिक्रियाओं के ही होते हैं। इसके बाद में हमारे पास जो दूसरी अभिक्रिया करेंगे वो कौन सी, हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है, इसकी कोई परिभाषा थी तो अपने कहेंगे वे अभिक्रिया जिनका अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है, उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो जो प्रथम घातांक के समानुपाती होगा उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाएगा, अपने पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया की हमने एक परिभाषा दे दी। इसके बाद में हमने जो अभिक्रियाओं में जो चीज देखनी है वो क्या देखना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अपने क्या ज्ञात करेंगे, इसका वेग नियम ज्ञात ठीक है। तो दूसरी चीज हमारे पास आ जाएगी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियम हमने को ज्ञात करना है। तो इसके वेग नियम को कैसे ज्ञात करते हैं, हमने कहा कि हमारे पास जो अभिकारक ए है जो किसमें परिवर्तित हो रहा है, उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। अभिकारक ए जो परिवर्तित हो रहा है उत्पाद ए में परिवर्तित हो रहा है। तो आपने कहे कि जो प्रारंभ में या आरंभ में अभिकारक ए की जो सांद्रता है वो सांद्रता मैं क्या लेता हूँ, ए मोल प्रति लीटर ले लेता हूँ। इसकी जो प्रारंभ में जो सांद्रता है ए मोल प्रति लीटर ले लेता हूँ। तो उत्पाद की जो प्रारंभ में जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, शून्य होगी, क्योंकि अभिक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है, ठीक है। तो अब अपने कहते हैं टी समय पर इसकी सांद्रता में क्या है, टी समय में जो सांद्रता में जो परिवर्तन है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ए में से जो एक्स मोल प्रति लीटर के आ जाते हैं विघटित होकर किसका निर्माण कर देते हैं, एक्स उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। तो ए में से क्या हुआ, जो अपने पास एक्स अपने पास मोल प्रति लीटर इसने क्या कर दिया, उत्पाद का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स मोल प्रति लीटर अपने पास उत्पाद बन गया। तो टी समय पर जो अभिकारक ए की जो सांद्रता में जो परिवर्तन तो कितना आ गया, ए माइनस एक्स आ गया, और टी समय बाद में जो उत्पाद है वो उत्पाद हमारे पास क्या बन गया, एक्स मोल प्रति लीटर बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो अपने पास वेग नियम अब इसका बनाते हैं। तो इसके ऊपर अपने द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लगाएं,
द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक है। इसके ऊपर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम अगर अप्लाई किया जाए तो अपने पास जो अभिक्रिया जो वेग है, ठीक है, अपने पास इसमें क्या ज्ञात करना चाहते हैं, इसका अभिक्रिया वेग ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया जो वेग अपने को प्राप्त होगा, वो अभिक्रिया वेग अपने को क्या प्राप्त होगा, इसके लिए अपने कह सकते हैं इसके अंदर ई डी एक्स बटे में डी टी बराबर, ठीक है, डी एक्स बटे में डी टी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस डी ए माइनस एक्स बटे में डी टी बराबर, ठीक है, इसके बराबर भी हो सकता है, या आपने इसको कह सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये किसके समानुपाती है, ए माइनस एक्स की क्या है, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, अपने पास प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अपने इसका वेग नियम ज्ञात कर लिया। अब भी अपने पास, जब भी अपने पास ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का अपने को क्या प्राप्त हो गया, वेग नियम प्राप्त हो गया अपने को, और यहाँ पर जो समानुपात का चिन्ह है इसको अपने घटा, ये देखिए उत्पाद के लिए अपने प्लस लिया और विकारकों के लिए क्या लिया है, माइनस का चिन्ह लिया है। तो अपने को जब इसको किस रूप में व्यक्त करना है, अपने पास समानुपात का चिन्ह अगर हटाते हैं इस अभिक्रिया के लिए, तो हमारे पास इसको अगर मैं लिखता हूं कि डी एक्स बटे में डी टी बराबर क्या हो जाएगा, के वन ए माइनस एक्स, के वन क्यों लिया है, तो वन अपने क्या कर रहे हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, इसलिए अपने क्या लिया है, वन ले लिया। तो अपने यहां पर कह सकते हैं कि के वन प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या है, वेग स्थिरांक है, केवल हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया का अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, वेग स्थिरांक का मान अपने को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास जो ये समीकरण अपने को प्राप्त हो रही है, ये इसको अपने क्या कह सकते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण कहा जा सकता है। ये समीकरण हमारे पास क्या, ये तो इसका वेग नियम हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलन वेग समीकरण अपने को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलन वेग समीकरण है, जिसको अपने वेग नियम के द्वारा अपने इसको ज्ञात कर लिया गया है, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, इस अवकलित वेग समीकरण से अपने क्या ज्ञात करेंगे, इसकी समाकलित वेग समीकरण को ज्ञात किया जाएगा। तो अपने इसकी समाकलित वेग समीकरण देखिए, जो हमारे पास ये समीकरण को नंबर क्या देते हैं, ये समीकरण तो हमारे पास नंबर एक आ गई, और ये समीकरण नंबर क्या हो गया, हमारे पास दो आ गई, ठीक है। तो अपने को यहां पर क्या ज्ञात करना है, समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करनी है, तो समाकलित, ठीक है, समाकलित वेग समीकरण प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अपने क्या ज्ञात करते हैं, समाकलित वेग समीकरण को अपने ज्ञात करते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के जो समाकलित वेग समीकरण हमारे पास क्या है। तो अपने जो समीकरण दो थी, उस समीकरण दो का क्या कर देते हैं, अपने समाकलन कर देते हैं। हमारे पास जो समीकरण दो थी वो कौन सी थी, तो अपने दोबारा देखते हैं कि जो समीकरण दो वो कौन सी थी हमारे पास, अगर आपको ध्यान में है, अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के वन ए माइनस एक्स, ये हमारे पास जो समीकरण दो थी, इसका क्या कर देते हैं, हमें समाकलन कर देते हैं, समाकलन करने का, ठीक है। तो इसका जो समाकलन अपने करते हैं डी एक्स बटे में डी टी, सॉरी अभी इसको अपने समाकलित करें, थोड़े इसके रूप में परिवर्तन लाते हैं, इसका रूप मैंने परिवर्तित किया a माइनस एक्स बराबर के वन डी टी, ठीक है। अब इसका क्या कर देते हैं, समाकलन करने पर तो अपने इसका जो समाकलन करेंगे कॉन्स्टेंट है, इसका समाकलन होगा नहीं, ठीक है। तो ये हमने इसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। अब इसका जो समाकलन का हमारे पास जो रिजल्ट आता है, ठीक है, देखिए हमारे पास जो समाकलन अगर अपने करते हैं किसका,
डी एक्स बटे में ए माइनस एक्स का अगर समाकलन किया जाए, डी एक्स अपॉन एक्स का अगर समाकलन किया जाता है, डी एक्स अपॉन एक्स का अगर समाकलन करता है, इसका जो समाकलन रिजल्ट आता है वो आता है नेचुरल लॉग एक्स, इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसी तरह का हमारे पास ये है, तो इसका जो समाकलन हमारे पास जो रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा वो रिजल्ट क्या हो जाएगा अपने पास, क्योंकि अभी ए माइनस एक्स है यहाँ पर एक्स था तो एक्स प्राप्त हुआ, अब हमारे पास ए माइनस एक्स है तो अपने प्राप्त क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स, इसका समाकलन प्राप्त हो गया। चिन्ह किसका लगा दिया अपने, ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया, इसका अपने पास के वन टी और प्लस क्या ले लिया सी, सी हमारे पास क्या है यहाँ पर सी है समाकलन स्थिरांक है, सी क्या चीज है समाकलन स्थिरांक, और इस समीकरण को नंबर दे दिया अपने तीन, इस समीकरण को अपने नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं इस समाकलन स्थिरांक के मान को ज्ञात करेंगे, तो समाकलन स्थिरांक के मान को किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, अपने कहें कि जो अभिक्रिया के जो आरंभ की अगर अपने बात करें तो अभिक्रिया के आरंभ में क्या होता है t बराबर जब जीरो होता है तो x का मान भी हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, उत्पाद के समय पर क्या हो जाएगी जीरो, तो ये जो मान है t का जीरो के जो मान है अपने क्या करते हैं समीकरण तीन में रखते हैं, तो समीकरण तीन में जो मान रखूंगा तो अपने कहते हैं कि समीकरण तीन में मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण तीन में देखिए अपने पास नेचुरल लॉग ए एक्स का मान हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है जीरो प्राप्त हो रहा है, फिर अपने क्या लिखा है के वन ए का मान क्या प्राप्त हो रहा है जीरो प्लस अपने क्या ले लिया सी, तो सी का जो अपने को मान प्राप्त हुआ वो माइनस नेचुरल लॉग ए अपने को प्राप्त हो गया, ये किसका मान प्राप्त हो गया अपने को सी का मान अपने को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हमने कहते हैं कि सी का मान है, तो अपने कहते हैं कि सी के मान को समीकरण तीन में रखने पर, तो जब हमें इसका मान ज्ञात करना था समाकलन समीकरण का, तो अपने पास क्या हो रहा है कि नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स बराबर के वन टी माइनस नेचुरल लॉग ए, ये अपने को किसका मान प्राप्त हो गया अपने को सी का मान जो अपने समीकरण में रख दिया। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं कि इसको अपने जो इसका रूप में परिवर्तित करता हूं, तो अगर मैं इसको इस रूप में भी लिख सकता हूं नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स बराबर के वन टी, इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, आपको मान किसका ज्ञात करना है अपने को k का जो मान ज्ञात करना है, तो अपने इसको या अपने इसको इस रूप में लिखें नेचुरल लॉग a बटे में a माइनस एक्स बराबर अपने को k1 t ही प्राप्त हो रहा है। अब नेचुरल लॉग को अपने क्या करते हैं लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो अपने पहले भी बताया था नेचुरल लॉग बराबर किसके होता है 2.303 लॉग के क्या होता है इक्वल होता है, तो मैं इसकी जगह अगर लॉग बेस 10 को अगर रखता हूं तो हमारे पास जो इसका जो मान प्राप्त हो जाएगा नेचुरल लॉग के जो हमने क्या लेते हैं यहाँ पर 2.303 को अगर काम में लें तो हमारे पास जो मान प्राप्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा के वन टी बराबर अपने को हो गया 2.303 log a बटे में a माइनस एक्स अपने को प्राप्त हो गया। ठीक है, और यहां से अगर अपने किसका मान निकालना है k1 का मान निकालना है तो k1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2.303 बटे में t log a बटे में a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये जो समीकरण अपने को प्राप्त हो रही है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलन वेग समीकरण है, तो ये अपने को क्या प्राप्त हुई प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, तो इस समीकरण को अपने जो समीकरण नंबर 5 बन रही है
समीकरण पांच को अपने क्या कहा जा सकता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण कहा जाता है, जिसे अपने यहां पर ज्ञात करना चाहते थे। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, इसमें अंतराल समीकरण। अंतराल समीकरण क्या होता है, अपने कहे कि जो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यदि अपने को अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात में हो, ठीक है, यदि हमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात में हो तो अपने क्या करेंगे, ठीक है। तो यदि हमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का मान अपने को ज्ञात न हो, या उसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है इसके बारे में अपने को ज्ञान न हो, तो अपने कौन से समीकरण काम में लेते हैं, अंतराल समीकरण को प्रयोग में लिया जाता है। अब अंतराल समीकरण कैसे प्रयोग में लेते हैं, हमारे पास जो समीकरण अभी प्राप्त हुई थी समाकलित वेग समीकरण, वो क्या थी, K1 2.303 upon t log a a minus x, ये अपने को प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण प्राप्त हुई थी। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कहता हूँ कि अपने पास इसको कहते हैं कि अपने माना t1 व t2 दो भिन्न समय पर, ठीक है, दो अलग अलग समय लिया, पहले मैंने t1 समय पर और फिर क्या लेता हूँ t2 समय पर, दो भिन्न समय पर अभिकारक क्रमशः t1 समय पर जो अभिकारक होंगे वो कितने हो जाएंगे, x1 व x2, t2 समय पर अपने को कितना प्राप्त होता है, x2 मात्रा अभिकारक की क्या है, समय पर अभिकारक क्रमशः अपघटित हो जाए, ठीक है। अपने कहते हैं कि t1 समय पर कितना अभिकारक अपघटित हो रहा है, x1 अपघटित हो रहा है, और t2 समय पर जो अभिकारक है वो कितना अपघटित हो गया, x2 मान इसका क्या हो गया, अपघटित हो गया। तो अपने क्या करते हैं, इस समीकरण को मैं किस रूप में लिखा जा सकता है कि t1 बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन k1 log a a minus x1 आ जाएगा, उसी तरह से अपने को t2 बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन k1 log a minus x2, अब देखो प्राप्त हो गया, ठीक है। तो दो मान अपने को यहाँ पर प्राप्त हो गए, किसके, अपने को यहाँ पर जो ये समीकरण अपने ले रहे हैं, इस समीकरण के दो अलग अलग समयों पर अपने को इनके जो मान है वो प्राप्त हुए। इस समीकरण को अपने नंबर दे देते हैं, हम पहले 5 तक चले गए थे, तो नंबर दे दिए इसको 6 और इसको नंबर दे दिया अपने 7, ठीक है। पहले देख लेंगे अपने नंबर कितने तक दे चुके हैं, मेरे को इसका यही याद है। तो अब अपने क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो समीकरण 7 है, तो 7 में से 6 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 7 में से समीकरण 6 के मान को अपने क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो अपने को जो इसका घटा हुआ जो मान प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, t2 minus t1 बराबर 2.303 k1, ये तो कॉमन है दोनों के अंदर, तो कॉमन मान प्राप्त हो गया। फिर अपने को इसका जो अपने घटा हुआ जो मान है वो क्या बच जाएगा, अपने को log a a minus x1 minus log a a minus x2, ये अपने क्या कर दिया, समीकरण 7 में से समीकरण 6 को अपने क्या कर दिया, घटा दिया, सॉरी 6 में 7 घटाने की, 7 में से 6 घटाने की, 2 माइनस कर जाएगा 1, अपने को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसको अपने जो दूसरे बदले हुए रूप में क्या लिखा जा सकता है, अपने पास t2 minus t1 बराबर 2.303 अपॉन k1 log a minus x1 बटे में a minus x2, ठीक है। ये हमारे पास अपने को इसकी अंतराल समीकरण अपने को प्राप्त हो गई। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की अंतराल समीकरण तब प्रयोग में ली जाती है जब हमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का मान ज्ञात नहीं होता है, तो उस समय अपने अंतराल समीकरण को प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो कब काम में ली जाती है, इसकी भी बात कर ली अपने,
ठीक है, और कैसे काम में लेंगे, तो अपने को T1 जैसे इस क्वेश्चन दे देता है कई बार न्यूमेरिकल पर, आपको प्रारंभिक सांद्रता न देकर अपने को क्या दे देता है वो T1 समय और T2 समय पर अभिकारक की सांद्रताएं आपको दे दी जाती हैं। तो अपने किस तरह से जो वेग स्थिरांक का मान है उसे ज्ञात करते हैं। अब अपने यहाँ पर जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, उस प्रथम कोटि अभिक्रिया का आलेखी निरूपण देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से वक्र खींचा जा सकता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में कई प्रकार के अपने को आलेखी निरूपण इसके प्रदर्शित किए जाते हैं। प्रथम आलेखी निरूपण मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो समाकलित वेग समीकरण थी, इस समाकलित वेग समीकरण का मैंने थोड़ा सा इसमें रूप परिवर्तित किया, और रूप परिवर्तित करके जो ये समीकरण अपने को जो प्राप्त हो रही है, ये समीकरण किसके बराबर है, y बराबर mx के क्या है, बराबर है। और अपने पता है कि जो y बराबर mx क्या है, ये हमारे पास एक सरल रेखीय क्या है, हमारे पास समीकरण है। तो जब अपने इसमें ग्राफ खींचते हैं, किसके बीच में, log a बटे में a माइनस x, ठीक है, को y अक्ष पर ले लिया, और समय t के अंदर अपने जो जिसको x अक्ष पर ले रखा है, तो अपने को इसके अंदर एक ग्राफ खींचा, तो अपने को क्या प्राप्त होगी, क्योंकि सरल रेखीय समीकरण के रूप में है, तो अपने को यहाँ पर क्या प्राप्त होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। और इस सरल रेखा से अपने क्या ज्ञात कर लेंगे, ढाल का मान ज्ञात कर लेंगे। ढाल मतलब अपने किसको ज्ञात कर रहे हैं, tan थीटा के मान को ज्ञात कर रहे हैं। तो इस समीकरण के आधार पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो tan थीटा का जो मान आएगा वो K1 बटे में 2.303 के क्या हो जाएगा, इक्वल अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अपने को जो ढाल है इसका मान अपने ज्ञात कर लिया कि किस तरह से इसके ढाल के मान को अपने ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से जो अपने जो समीकरण है, जो अपने ये जो सूत्र बनाया है, इस सूत्र को मैं थोड़ा सा इसका रूप अगर और परिवर्तित करता हूँ, तो इसके रूप को परिवर्तित करके अपने इसको लिखा जा सकता है, अपने जो समीकरण है इसको, समीकरण को अपने दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरा रूप अपने पास क्या हो सकता है इसका, लोग, इसको अपने ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास बन सकता है लोग ए माइनस लोग ए माइनस एक्स बराबर K1 2.303 T। ठीक है, इस रूप में भी इस समीकरण को अपने यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस रूप में भी इस समीकरण को अपने प्राप्त कर सकते हैं। अब अपने पता है कि यहाँ पर जो log A है, वो log A हमारे पास क्या है, एक स्थिर राशि है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। पता है कि जो लोग ए है वो क्या है, एक स्थिर राशि के रूप में अपने को प्राप्त होता है। तो स्थिर राशि के रूप में अपने को प्राप्त होने के कारण से मैं इसको जो समीकरण है, इस समीकरण को लिख सकता हूं ना यहां पर, लोग ए माइनस एक्स बराबर माइनस के वन 2.303 टी प्लस लोग ए, इस रूप में इस समीकरण को अपने लिखा जा सकता है। ये जो समीकरण अपने को प्राप्त हो रही है, ये समीकरण हमारे पास जो y बराबर, ये जो समीकरण अपने को प्राप्त हुई, ये एक दूसरे प्रकार की हमारे पास समीकरण आती है, y बराबर mx प्लस c, ठीक है, इस रूप में अपने को प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक अंतःखंड काटने वाली सरल रेखीय समीकरण। ये कैसी है हमारे पास, अंतःखंड काटने वाली सरल रेखीय समीकरण है। ठीक है, तो अंतःखंड काटने वाले जब सरल रेखीय हमारे पास समीकरण के रूप में अपने को प्राप्त हुई, तो अपने यहाँ पर इसमें आरेख खींचते हैं, जो क्या खींचते हैं अपने इसमें, तो आरेख किस रूप में मैं यहाँ पर इसको प्राप्त करूंगा, वो हमने आरेख खींचा यहाँ पर लोग a माइनस एक्स को, तो अपने कौन से अक्ष पर ले लिया, वाई अक्ष पर ले लिया। ठीक है, लोग a माइनस एक्स को अपने कौन से अक्ष पर ले रहे हैं, वाई अक्ष पर ले रहे हैं, और समय t को अपने कौन से अक्ष पर ले लिया, एक्स अक्ष पर अपने समय t को ले लिया गया। तो हमारे पास जो वक्र प्राप्त होगा वो इस प्रकार का अपने को वक्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का हमें क्या प्राप्त होगा, एक वक्र प्राप्त होगा। इस वक्र में जो लोग a है, वो लोग a का मान अपने को ये प्राप्त हो रहा है, जो ये हमारे पास क्या है, लोग ए का मान हमारे पास, लोग ए का मान है हमारे पास।
ठीक है। और इसके अंदर जो अपने को टेन थीटा का जो मान प्राप्त होगा, वो टेन थीटा का मान अपने को जो प्राप्त हो जाएगा वो ये होगा कि इस समीकरण के लिए जो टेन थीटा मतलब जो ढाल का जो मान है माइनस ए वन 2.303 के बराबर अपने को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये इसके लिए ढाल प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये अपने देख सकते हैं दोनों जो वक्र थे उन दोनों वक्रों के लिए जो ढाल के जो मान है वो अपने को भिन्न प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं और भिन्न प्रकार के अपने को यहाँ पर इसमें वक्र प्राप्त हो रहे हैं। तो दोनों समीकरणों में अपने को भिन्न प्रकार के वक्र प्राप्त हुए। ठीक है, तो दो वक्र अपने इस समीकरण के लिए अपने इसमें बना दिए गए, दोनों आपके वक्र सामने हैं आपके लिए। इसी तरह से अपने यहाँ पर एक तीसरा वक्र, इसके अंदर जो अंतराल समीकरण अपने बनाई थी उस अंतराल समीकरण से भी अपने इसमें वक्र खींचा जा सकता है। तो हमारे पास अंतराल समीकरण से इसका वक्र देखें, अंतराल समीकरण से अपने किस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है, अंतराल समीकरण से जो वक्र की प्राप्ति देखते हैं कि जो अपने अंतराल समीकरण बनी थी उस अंतराल समीकरण से अपने इसमें वक्र खींचते हैं। तो अंतराल समीकरण हमारे पास क्या थे उसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, लोग ए माइनस एक्स वन बटे में ए माइनस एक्स टू बराबर। ठीक है, ये अपने पास अंतराल समीकरण को अपने लिखने का जो तरीका है इसको लिखा जा सकता है के वन 2.303 पी टू माइनस पी। ये हमारे पास अंतराल समीकरण थी, इस रूप में अंतराल समीकरण को अपने प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, अब अपने यहाँ पर इसमें वक्र खींचते हैं, किस किस के बीच में वक्र खींचते हैं अपने यहाँ पर वाई अक्ष पर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर लोग ए माइनस एक्स वन बटे में ए माइनस एक्स टू को वाई अक्ष पर ले लिया और एक्स अक्ष पर ले लिया अपने पी टू माइनस पी वन को अपने एक्स अक्ष पर प्राप्त कर लिया। तो अपने को जो वक्र प्राप्त होगा वो वक्र अपने को इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा। ये जो समीकरण y बराबर क्या है mx है, y बराबर mx है हमारे पास। ये समीकरण जो सरल रेखा समीकरण है हमारे पास एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आपको जो tan थीटा का जो मान है वो tan थीटा का जो मान अपने को जो प्राप्त होगा कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ से अपने को tan थीटा का मान। ठीक है, तो अगर अपने tan थीटा का मान देखा जाए तो अपने को प्राप्त हो रहा है के वन बटे में 2.303। ठीक है, ये देख सकते हैं ये अपने को क्या प्राप्त हो गया, टेन थीटा का मान प्राप्त हो गया। तो इस तरह से अपने जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उस प्रथम कोटि अभिक्रिया से अपने आरेखीय निरूपण कर लिया गया। अब आरेखीय निरूपण आपने अंतराल समीकरण से किया है या समाकलित वेग समीकरण से किया है वो आपके ऊपर निर्भर है, या एग्जामिनर अपने को किस रूप में इसके जो आरेख को अपने से पूछ सकता है। तो अपने यहाँ पर तीन वक्र इसमें प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्राप्त कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक हमने यहाँ पर बनाया है वो है अर्धायु। ठीक है, अर्धायुकाल किसे कहा जाता है, तो अपने कहते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उस रासायनिक अभिक्रिया के में जो अभिकारक है उस अभिकारक के मूल सांद्रता या जो प्रारंभिक सांद्रता है उस प्रारंभिक सांद्रता के आधे अपघटित होने में जो लगे समय को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहा जाता है। तो अपने कह देते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में परिभाषा इसकी क्या बनेगी अपने पास, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के आधे अपघटित होने में लगे समय को क्या कहते हैं अपने, अर्ध आयु का। ठीक है, किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक की जो सांद्रता है उसके आधे अपघटित होने में जो लगा हुआ समय है इसे क्या कहा जाएगा, अर्धायुकाल कहा जाता है। जैसे अपने कहते हैं कि हमारे पास जो आरंभिक सांद्रता है वो आरंभिक सांद्रता अपने क्या लेते हैं स्मॉल ए लेकर चलते हैं। ठीक है, आरंभिक सांद्रता कितनी लेकर चलते हैं, स्मॉल ए लेकर जाते हैं। तो अपने कह देते हैं कि जो टी हाफ मतलब जो टी हाफ इसका जो मान हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, ए बटा दो के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, अब अपने कहें कि इस अर्धायुकाल को अपने अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए लागू करें। सबसे पहले अपने पास इसको किसके लिए लागू करते हैं, अपने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए लागू करते हैं।
तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमने क्या लिखा था, के जीरो बराबर लिखा था अपने एक्स अपॉन क्या लिखा था, टी लिखा था, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे, शून्य कोटि अभिक्रिया थी, और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमने इसको इस रूप में लिखा था, ठीक है। तो अपने पास ये शून्य कोटि की जो अभिक्रिया प्राप्त हो रही है, इस अभिक्रिया के लिए अपने देखते हैं इसमें कि हमारे पास जो मान है इसका, जो एक्स है वो एक्स कितना प्राप्त हो रहा है अपने को, जो अपने पहले इसके अंदर टी के मान को ज्ञात करें तो टी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें टी हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, के जीरो के तुल्य हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि जो टी बराबर एक बटा दो हो, टी का मान कितना हो, टी बराबर कितना हो, टी एक बटा दो हो, तो जो एक्स हो जाएगा वह इसके बराबर हो जाएगा, एक बटा दो के तुल्य हो जाएगा। तो अपने ये जो मान रख देते हैं इसमें, अपने पास क्या प्राप्त होता है, टी एक बटा दो बराबर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, ए बटे में दो के जीरो, ठीक है। ये हमारे को शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या प्राप्त हो गया, अर्ध आयुकाल प्राप्त हो गया, ठीक है। इस अर्ध आयुकाल को अगर देखा जाए तो जो अर्ध आयुकाल है वो अभिकारकों की सांद्रता के क्या हो रही है, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है, एक है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, तो अपने कह सकते हैं टी हाफ क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के क्या है, समानुपाती है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो अभिक्रिया जो वेग है वो अभिक्रिया वेग आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वह अर्धायुकाल आरंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। लेकिन शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वह वेग स्थिरांक प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसी अभिक्रिया कौन सी है जिनका अर्धायुकाल तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है लेकिन उसके वेग स्थिरांक का मान आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो वह अभिक्रिया कौन सी हो जाती है, हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो ये अपने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की बात कर ली, किस प्रकार से इसके अर्धायुकाल को ज्ञात किया जाता है। अब अपने पास जो दूसरी अभिक्रिया जो आती है वो दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो अपने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल के मान को ज्ञात करते हैं, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपने क्या लिखा था, के वन बराबर लिखा था 2.303 अपॉन टी लोग ए ए माइनस एक्स अपने लिखा था, ठीक है। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण, मैं कहता हूँ इस समीकरण को मैं इस रूप में लिख देता हूँ, के बराबर 2.303 बटे में के वन लोग ए बटे में ए माइनस एक्स रूप में लिखा जा सकता है। अब अपने क्या कहते हैं कि जो t बराबर हाफ होगा तो t बराबर हाफ में जो x का जो मान है वो कितना हो जाएगा अपने पास, a बटा दो मोल प्रति लीटर प्राप्त हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि जब अपने पास t किसके बराबर हो, t एक बटा दो के बराबर हो, तो जो अभिकारक की जो सांद्रता है प्रारंभिक सांद्रता वो किसके तुल्य हो जाएगी, a बटा दो के क्या हो जाएगी, तुल्य हो जाएगी। तो ये मान अपने समीकरण को नंबर देकर इसको एक दे देते हैं, तो समीकरण एक में रखने पर तो अपने को जो मान है वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, मानों को अगर हमें देखें तो अपने को प्राप्त हो जाएगा t एक बटा दो 2.303 अपॉन के वन लो ए माइनस ए बटा दो, ठीक है। इस रूप में अपने को प्राप्त हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं यहाँ से इसको मैंने लिखा जा सकता है, ये जो मान है अपने को इसको अगर सॉल्व करें तो अपने को प्राप्त होगा टी एक बटा दो 2.303 ए वन लोग दो अपने को यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो लोग दो प्राप्त हो गया, और अपने लोग दो का जो मान होता है वह लोग दो का मान कितना होता है, 0.3010 होता है। अपने को ये भी पता है कि यहाँ पर जो लोग दो है उसका मान कितना होता है, 0.3010 मान प्राप्त होता है। तो अपने इसको लिखा जा सकता है कि टी हाफ बराबर 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन ए वन। तो इसको अगर अपने कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर अपने को जो मान इसका जो प्राप्त होगा वो मान प्राप्त हो जाएगा अपने को टी हाफ बराबर 0.693
अपॉन के वन, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल हो गया। अब इस अर्धायुकाल को अगर देखते हैं तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो अर्धायुकाल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा, लेकिन वेग स्थिरांक का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। तो ये जस्ट विपरीत हो गया किसका, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो अर्धायुकाल है, ध्यान देना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन इसका जो वेग स्थिरांक का जो मान है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। लेकिन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या था, शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती था, लेकिन उसके वेग स्थिरांक का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पर क्या करती है, शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल के मान ज्ञात कर लिए, ठीक है। क्या होते हैं वो बता दिए, क्या ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करते हैं या नहीं, इस चीज के मान को भी अपने यहाँ पर व्यक्त कर दिया। अब अपने पास यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया की कुछ एक चीजें अपने पास उदाहरण रह गया था, उन उदाहरणों की बात करते हैं। या प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक देखा जाए तो अपने पास प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अपने यहाँ पर कहेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का जो मान है वो क्या प्राप्त होगा, देखो सेकंड इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अपने को मात्रक प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा प्रथम कोटि अभिक्रिया के कुछ उदाहरणों की अगर मैं बात करता हूँ तो वो उदाहरण आपके सामने स्पष्ट करता हूँ। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट उदाहरण पूछ लेते हैं और उदाहरणों से पूछा जा सकता है, कभी ठीक कोटि बनाए। तो सबसे पहला उदाहरण है कि जो अमोनियम नाइट्राइड के जलीय विलयन को अगर गर्म करने पर, अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2 का अगर जलीय विलयन लिया जाए, ठीक है, इसको गर्म करें आपने, तो अमोनियम नाइट्राइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर अपने को यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, जल व नाइट्रोजन अपने को प्राप्त होगी, नाइट्रोजन प्लस क्या प्राप्त होगी, जल प्राप्त होगी। ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया कौन सी, हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा जितनी भी रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया है, दूसरा अपने पास उदाहरण कौन सा था, मूल उदाहरण है हमारे पास कि अपने कहेंगे कि रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया, रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया, जितने भी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होती है वो सभी अभिक्रिया हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण होती है। इसके अलावा हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एजो आइसोप्रोपेन का उष्मीय अपघटन, तीसरा उदाहरण हमारे पास इसमें क्या आ सकता है, अपने कहेंगे इसमें एजो आइसोप्रोपेन का उष्मीय अपघटन, ठीक है। ये भी हमारे पास किसका उदाहरण है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण अपने पास रहता है। तो एजो आइसोप्रोपेन का अगर अपने सूत्र लिखा जाए तो हमारे पास एजो आइसोप्रोपेन CH3 हो गया। किसका सूत्र हो गया, अपने को एजो आइसोप्रोपेन का सूत्र हो गया। इसका अगर उष्मीय अपघटन करवाया जाए तो इसके उष्मीय अपघटन से अपने को क्या प्राप्त होगी, नाइट्रोजन गैस, इसके अलावा CH14, ठीक है, ये अपने को प्राप्त यहाँ पर हो जाता है। तो ये हमारे पास तीन ऐसे उदाहरण हैं जो प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण है। इसके अलावा अपने इसके प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण अपने पहले भी बात कर चुके हैं, वो हमारे पास कौन सा था, एक तो हमारे पास था N2O5 का अगर अपने अपघटन करवाया जाए तो हमको यहाँ पर 4NO2 प्लस O2 प्राप्त हो रहा है। तो ये इसका भी उष्मीय अपघटन अपने पास किसके प्रकार का है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरणों की बात कर ली। इसके अलावा अपने यहाँ पर जो जिक्र किया जाता है वो अपने यहाँ पर जिक्र करते हैं, हमारे पास षदम कोटि की अभिक्रियाओं का जिक्र किया जाए कि षदम कोटि की अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। इन उदाहरणों के अलावा अपने यहाँ पर आपको मैं परिभाषा बता देता हूँ, सिर्फ परिभाषा के बारे में आपको पता होना चाहिए, षदम कोटि अभिक्रिया। तो षदम कोटि अभिक्रिया कौन सी होती है, तो आपने कहा ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें देखने में वह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में भी अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है, इन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, षदम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। इसका उदाहरण मैं बताता हूँ, तो आपको यहाँ पर बताया था कि एस्ट्र का
जो अमलीय जल अपघटन है, ठीक है, एस्टर का अमलीय जल अपघटन हमारे पास किसका उदाहरण होता है, शगन कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखने में अपने को कौन सी प्रतीत हो रही है, तृतीय कोटि की प्रतीत हो रही है, लेकिन ये जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया वास्तव में कौन सी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसी तरह से अपने कहते हैं कि जो हमारे पास सुक्रोज है या शर्करा जो है, इस शर्करा का अपने अमलीय जल अपघटन करवाएं तो अपने को ग्लूकोज और क्या प्राप्त होता है, फ्रुक्टोज प्राप्त होता है, ठीक है। इसकी भी अगर मैं कोटि की बात करता हूँ तो ये अभिक्रिया भी हमारे पास कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। इन अभिक्रिया में वास्तव में क्या हो जाता है, देखो अपने जल अपघटन की बात कर रहे हैं तो जल है वो क्या लिया जाता है, अधिक्य में लिया गया। अपघटन की जब बात करेंगे तो जल किस में लिया गया, अधिक्य में जब लिया जाता है तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है जिसकी मात्रा अधिक्य में होती है उस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसके लिए अभिक्रिया की कोटि निकालें या जो वेग की बात करें तो उसमें जो अधिक्य मात्रा लिए उसको अपने यहाँ पर निर्भरता इसकी नहीं दिखाई गई।